हेलो चलो, क्या हाल है? कैसा है सब कोई? अरे हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू द सेशन। क्या हाल है, कैसे हो सब कोई? जल्दी से कंफर्म कर दो सब कुछ। वॉइस वगैरह बिल्कुल क्लियर है ना? हाँ, सब बिल्कुल क्लियर है, सब सही है। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छो, और एक सेकंड रुको, एक सेकंड देखते हैं, लाइटिंग शेडिंग सब सही है ना? ओके, चलो सब बढ़िया। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग, जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो, हम लोग जो बच्चे मुझसे पहली बार मिल रहे हैं उनके लिए अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। माई नेम इज़ अंशुमन एंड आई एम डन माई बी टेक फ्रॉम IIT BHU वाराणसी। ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले हैं, अभी हम लोग देखने वाले हैं बच्चों लोग, अभी हम लोग देखने वाले हैं डीप रोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हम लोगों ने देख लिया, थोड़ा सा पार्ट बचा था एटॉमिक स्पेक्ट्रा का, थोड़ा सा पार्ट बचा था देखना, अभी उसको देखेंगे हम लोग। फिर हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ देखेंगे, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ देखेंगे, फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखेंगे। ठीक है, आज का हमारा यही रहेगा, इसको हम लोग शुरू करते हैं। बस 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, जल्दी से सबको एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि जल्दी से मुझे एक बार अर्न अकेडमी प्लेटफॉर्म में फॉलो कर दो, सो दैट वहाँ जो स्पेशल क्लासेस होते हैं मेरे, काफ़ी इंटरेक्टिव क्लासेस होते हैं और फ्री होते हैं, वो आप अटेंड कर सकते हो। उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ मेरा प्रोमो कोड जो कि है AL STARS, ये आप जब लगाओगे तो आप फ्री क्लासेस आराम से अटेंड कर सकते हो। ठीक है बच्चा लोग, जल्दी से एक बार बात करते हैं प्लस और आइकॉनिक का। प्लस में क्या खासियत होती है ना, प्लस में लाइव क्लासेस होते हैं और काफ़ी इन्वायरमेंट जो होता है ना, काफ़ी क्लासरूम और पर्सनलाइज इन्वायरमेंट होता है। मतलब तुमको ऐसा फील होगा कि वर्चुअल क्लास में बैठे, बाहर क्लास चल रही है, तुम डाउट पूछोगे मैं आंसर दूंगा। ठीक है, वीकली टेस्ट होता है, हर वीक टेस्ट होता है, वहाँ पर रेगुलर टेस्ट होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान होता है, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, एक बैच पूरा एज अ बैच पढ़ाई होता है, बैच में आपका आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, राइट, अनलिमिटेड एक्सेस, आप जब चाहो उन क्लासेस को रिवाइज करने के लिए आप देख सकते हो। आइकॉनिक में क्या खास बात होती है बच्चों, आइकॉनिक में प्लस की सारी चीजें होती है, साथ साथ आपको पर्सनल गाइड मिलता है, आपको पर्सनल गाइड मिलता है, आपको टेस्ट एनालिसिस मिलता है, मतलब आप जो टेस्ट देते हो वो एनालाइज किया जाता है कि भाई आपको किस पार्ट में मेहनत करना है, एक्सपर्ट गाइडेंस स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन देख सकते हो। आप एक ऐसे बच्चों जिसका 1 साल बाद एग्जाम है तो 12 महीना, आप एक ऐसे बच्चों 2 साल बाद है तो 18 24 18। इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट है मेरा प्रोमो कोड जो है AL STARS, ये जब लगाओगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चा लोग, ट्राई करने के लिए आप 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, बट 12 या 24 मंथ में आपको 2 मंथ एक्सटेंशन मिलता है। आइकॉनिक का मैंने बता दिया, ब्रांडेड नोट्स, पर्सनल गाइड, और इस संडे को एक टेस्ट होने वाला है बच्चों, इस संडे को एक टेस्ट होने वाला है, स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जो आप दोगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतना अच्छा स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। ठीक है, उसके लिए भी आप लोग मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे, AL STARS यूज करोगे। ठीक है, तो डाउट कैसे पूछना है सबको पता है, आस्क अ डाउट फीचर का यूज करना है, फोन उठाना है, फोटो खींचना है, इमेज क्रॉप करना है, अपलोड कर देना है, आपको इंस्टेंट सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इस क्लास में अभी हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखने वाले हैं, जो हम लोग का बचा रह गया था, जो हम लोग का पिछले क्लास का बचा रह गया था, हम लोग वो देखेंगे। हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ देखेंगे, फिर हम लोग हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखेंगे। ठीक है, सबको क्लियर हो गया क्या क्या करने वाले हम लोग? ओके, ठीक है, चलो सब बढ़िया है। तो हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, हम लोगों ने देखा था कि भाई एटॉमिक स्पेक्ट्रम को आप दो तरीके से बांट सकते हो, या तो आप उसको कंटिन्यूअस डिस्क्रीट में बांटो। तो हमने देखा था भाई कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिसमें सारे लाइंस प्रेजेंट होते हैं। वेवलेंथ मान लो λ1 अगर 300 नैनोमीटर है, और मैं अगर यहाँ 700 नैनोमीटर की बात करूँ, तो इनके बीच का सारा वेव जब अवेलेबल होगा, मतलब 301, 302, 303, सब लाइन से जब अवेलेबल होगा, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते थे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते थे बच्चों। वही जब डिस्क्रीट वैल्यू, मतलब हो सकता है कि एक 300 वाला मिले, फिर हमको सीधा 350 वाला मिले, फिर सीधा 400 वाला मिले, समझ आ रहा है? अगर ऐसे कुछ चुनिंदा, कुछ सेलेक्टिव लाइन सिर्फ प्रेजेंट है तो हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट। अभी हम लोगों ने दूसरा देखा था कि एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो क्या होता है, ऐसा मान लो कि बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं, मान लो एक कंटेनर है, कंटेनर में बहुत सारे एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स मान लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम लोग,
मान लेते हैं हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों, तो बहुत सारा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अभी यहाँ पे मान लो, यहाँ पर मान लो बच्चों कि कुछ हम लोगों ने, हमने इनको कुछ एनर्जी दिया, हमने इनको कुछ एनर्जी दिया, ठीक है, हमने कुछ एनर्जी प्रोवाइड किया। अभी जब एनर्जी प्रोवाइड किया तो क्या हुआ कि कुछ इसमें से कुछ एनर्जी इन एटम्स ने एब्जॉर्ब कर लिया होगा, कुछ एनर्जी एटम्स ने एब्जॉर्ब कर लिया होगा। तो ये जो एनर्जी था, ये हम लोग कैसे दे रहे थे, वेव के फॉर्म में दे रहे थे। मान लो हमने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा दिया इसको, ऐसा समझते हैं हम लोग। मान लो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा हमने इस एटम के तरफ फेंका, इसमें लैम्डा वन था, लैम्डा टू था, लैम्डा थ्री था, लैम्डा फोर था, ठीक है। मान लो एक और है लैम्डा फाइव। अब इस एटम ने जो तो लैम्डा टू था और लैम्डा थ्री था उसको एब्जॉर्ब कर लिया, लैम्डा टू और लैम्डा थ्री को एब्जॉर्ब कर लिया बाय द एटम, ठीक है। अभी क्या हो गया, दो वेव जो एब्जॉर्ब हो गए। अब हम अगर यहाँ पे स्क्रीन लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे लैम्डा वन तो मिलेगा, लैम्डा टू नहीं मिलेगा, लैम्डा थ्री नहीं मिलेगा, लैम्डा फोर मिलेगा, लैम्डा फाइव मिलेगा, बाकी सारा मिलेगा। समझ आ रहा है, जो एब्सॉर्ब हो गया अब वो इस तरफ एटम्स के इस तरफ नहीं मिलेगा। हम अगर इधर स्क्रीन लगाते हैं तो हमें लैम्डा टू और लैम्डा थ्री गायब मिलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब यहाँ पे देख लो, ये जो कुछ कुछ गायब हो गए ना, बीच बीच से गायब हो गए ना, ये क्या हुआ, ये एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया, ये एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया, एटम ने एब्जॉर्ब कर लिया। और बचा हुआ जो लाइट था, ये सारे वेवलेंथ में जो, हेलो ऋषु तिवारी, कैसे हो बच्चे, क्या हाल है, कैसे हो, कैसे हो, क्या हाल है। तो यहां से जो बचा हुआ मिला ना, जो एब्जॉर्ब हो गया, और उसके अलावा जो बच गया वो हमें यहाँ पर मिला, और वो क्या है, हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। समझ आया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चों, ऋषु समझ आया आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। जो एब्जॉर्ब हो गया वो तो एब्जॉर्ब हो गया, उनके अलावा जो बच गया वो हमें स्क्रीन में दिखेगा। जैसे यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है आपको, ये ब्लैक क्या है, ब्लैक वाले सारे एब्जॉर्ब हो गए, बाकी के बचे हुए लाइट हमको दिख गए। अब देखो क्या होगा, ये तो हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब जो ओके ऋषु बहुत बढ़िया, अब जो एब्जॉर्ब हो गया उसमें क्या होगा। अभी मान लो जितने वेवलेंथ जो लैम्डा टू और लैम्डा थ्री एब्जॉर्ब हो गया था, वो क्या था, एटम में ही रह गया था, इन एटम्स में रह गया था, ठीक है। तो अब क्या होगा, लैम्डा टू और लैम्डा थ्री एब्जॉर्ब होता है तो क्या होता है बच्चों, जब हम एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपने लोअर शेल से किसी हायर शेल में चला जाता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और ऊपर चला गया, ठीक है। पर ये ऐसे रहेगा तो नहीं, ये क्या करेगा, वापस डीएक्साइट होना चाहेगा। ये बात आपको पता है ना, नेचर में हर कोई अपने मिनिमम पॉसिबल एनर्जी में रहना चाहता है, अपने मिनिमम पॉसिबल एनर्जी में रहना चाहता है। ये जब लैम्डा टू और लैम्डा थ्री एब्जॉर्ब किया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गया। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, एनर्जी एक्सेप्ट करके एक्साइट कर गया। अब क्या होगा, ये वापस डीएक्साइट करेगा, ये वापस नीचे आएगा और अपने एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। तो इसने लैम्डा टू और लैम्डा थ्री एब्जॉर्ब किया था ना, यहाँ पे एटम्स के इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया था, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमें वापस ये लैम्डा टू और लैम्डा थ्री मिल जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि एमिट कर रहा है, एमिशन स्पेक्ट्रम क्योंकि एमिट कर रहा है। तो अभी देखो ये बात समझो कि जो जो लाइंस यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए थे एटम्स के द्वारा, जो जो लाइंस एब्जॉर्ब हो गए थे वहां हमें ब्लैक मिल गया, वही कलर एग्जैक्टली अब वही वही सारे कलर्स हमें क्या मिलेगा, एमिशन स्पेक्ट्रम में मिलेगा, वही वही कलर्स हमें एमिशन स्पेक्ट्रम में मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, समझ आएगा सबको, किसी को कोई डाउट है। जो लाइन्स एब्जॉर्ब हो गए थे वो लाइन्स फिर एटम बाद में रिलीज करेगा, उसे हम लोग कह देते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा बच्चों। अभी हम लोग देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। एक उससे पहले ये देख लो, और स्पेक्ट्रल लाइन हम लोगों ने स्पेक्ट्रल लाइंस देख लिया था, हम लोगों ने स्पेक्ट्रल लाइंस देखा था ना, लाइमन बाल्मर पैशन सब देख लिया था हमने, ठीक है। अभी यहां पे देखते हैं सबके लिए मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगा। मान लो हम लोग सबसे पहले लाइमन की बात करते हैं बच्चों, लाइमन सीरीज क्या होता है सबको पता है, लाइमन सीरीज क्या होता है, उन सारे सीरीज को बोलते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एन से, किसी भी शेल से, जब एन इक्वल टू वन पे गिरता है ना, जब एन इक्वल टू वन पे गिरता है, तब जो फोटॉन्स मिलते हैं तो उनके वेवलेंथ के कलेक्शन को हम लोग लाइमन सीरीज कहते हैं। एन इक्वल टू टू से गिरा,
या एन इक्वल टू थ्री से गिरा, समझ रहे हो बच्चों? ये सारा क्या है, ये सारे वेव्स को हम लोग लाइमन सीरीज कहते हैं। आई होप ये पता होगा, हमने लास्ट क्लास में देखा है अभी, ठीक है। तो इसका अगर मैं मैक्सिमम और मिनिमम निकालना चाहूँ, मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ, तो आप लोगों को पता होगा बच्चों कि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। क्यों? ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है। मतलब जिसका लैम्डा ज्यादा उसका एनर्जी कम, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका एनर्जी कम। तो अब मेरे को पहले जब भी आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा वेवलेंथ या छोटा वेवलेंथ क्या होगा, आप हमेशा एनर्जी के टर्म्स में सोचो। आपको सोचना किसके टर्म्स में? एनर्जी के टर्म्स में। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ मेरे को बताओ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज मुझे कब मिलेगा, ऑफ लाइमन सीरीज मुझे कब मिलेगा, तो तुम क्या बोलोगे? अच्छा सर, आपने मैक्सिमम सीरीज मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा ना, मैक्सिमम वेवलेंथ आपने पूछा, इसका मतलब आपने इनडायरेक्टली ये कहा कि मिनिमम एनर्जी वाला ट्रांजिशन कौन सा होगा। ये कौन सा ट्रांजिशन का बात हो रहा है कि मैक्सिमम वेवलेंथ हमें किस ट्रांजिशन में मिलेगा? तो मैंने जब मैक्सिमम वेवलेंथ बोला तो आपने क्या सुना? आपने सुना कि मैं कह रहा हूं मिनिमम एनर्जी, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं लाइमन के लिए मैक्सिमम एनर्जी और मिनिमम एनर्जी कब होगा। लाइमन क्या है, एन इक्वल टू वन में गिर रहा है, एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू थ्री, हर जगह से गिर रहा है। ऐसा करते करते n इक्वल टू इन्फिनिटी से भी गिर रहा होगा, n इक्वल टू इन्फिनिटी से गिरेगा, उसको भी हम लोग लाइमन सीरीज ही कहेंगे बच्चों, उसको भी हम लोग लाइमन सीरीज ही कहेंगे, ठीक है। ये तक तो क्लियर है। तो यहां पे देखो बच्चों, यहां पे मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी गैप कब होगा? ये वाला जो गैप है इसको मैं रेड से बनाता हूं। ये क्या है, ये मैक्सिमम एनर्जी गैप है जब इंफिनिटी से वन में आएगा। मैक्सिमम एनर्जी गैप और लाइमन के लिए मिनिमम एनर्जी गैप कौन सा होगा? ये होगा मिनिमम एनर्जी गैप। यहां तक सबको क्लियर है? ये जो है ये मैक्सिमम एनर्जी गैप है और इतने दूर क्या है, मिनिमम एनर्जी गैप है। तो मैं अगर कहता हूं कि मैक्सिमम वेवलेंथ हमें कब मिलेगा लाइमन सीरीज में, तो आप बताओगे कि जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में जंप करेगा ना, तो हमें लैम्डा मैक्स मिलेगा, और जब इंफिनिटी से 1 में जंप करेगा तब हमें लैम्डा मिनिमम मिलेगा। ये बात सबको समझ आया? ये क्या होगा, लैम्डा मिनिमम। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी से 1 पे जब गिर रहा है ना, इंफिनिटी से 1 पे जब गिर रहा है, इसको मैं लिख देता हूं, जब इंफिनिटी से 1 पे गिर रहा है, जब n इक्वल टू इंफिनिटी से n इक्वल टू 1 पे गिर रहा है, तो हमारा एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। दिस इंप्लाइज लैम्डा हमारा मिनिमम होगा, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में गिर रहा है, तो हमारा एनर्जी क्या होगा बच्चों, एनर्जी मिनिमम होगा। दिस इंप्लाइज लैम्डा हमारा मैक्सिमम होगा। तो आज के बाद किसी भी सीरीज के लिए आपसे मैक्सिमम लैम्डा या मिनिमम लैम्डा पूछा जाए, तो आप क्या सोचोगे, एनर्जी देखोगे कि भाई उस सीरीज का मैक्सिमम एनर्जी ट्रांजिशन कब मिल रहा है, मिनिमम एनर्जी ट्रांजिशन हमें कब मिल रहा है, ठीक है। मैं अगर वही बाल्मर की बात करूं बच्चों, तो बाल्मर क्या होता है, एन इज इक्वल टू 3 से इन्फिनिटी से जब एन इक्वल टू 2 पे गिरता है, मतलब n इक्वल टू 2 ये बनाया हमने, अब कहीं से भी n इक्वल टू 3 या n इक्वल टू 4 या ऐसा ऐसा करते हुए n इक्वल टू इन्फिनिटी कहीं से भी गिरेगा, कहीं से भी n इक्वल टू 2 पे गिरेगा, तो उसको हम लोग बाल्मर सीरीज कहते थे बच्चों। याद कैसे रखा हमने, लाल बाल बाल लाइमन बाल्मर पैशन, ठीक है, सेकंड वाला है बाल, इसको हम लोग याद रखा, हम लोगों ने याद रखा। और बाल्मर सीरीज के लाइट क्या होते थे, विजिबल होते थे, याद है, बाल्मर सीरीज वाले विजिबल होते थे। कैसे याद रखा है हमने, एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है हमारी कंट्री की जिनका नाम है विद्या बालन, आपको पता होगा, इसके ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं, विजिबल बाल्मर, ठीक है, याद रखने का तरीका है। तो ये हो गया। यहाँ पे अभी देखो बच्चा लोग, यहाँ पे मिनिमम एनर्जी कब होगा, यहाँ पे अगर मैं पूछता हूँ कि लैम्डा मैक्स वाला ट्रांजिशन बताइए, लैम्डा मैक्स वाला ट्रांजिशन बताइए, तो तुम बोलोगे कि जब n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 जाता है ना, इस केस में एनर्जी ट्रांसफर हमारा क्या मिनिमम है, ये गैप मिनिमम है ना, सबसे छोटा गैप है, n इक्वल टू 2 और इन्फिनिटी का सबसे बड़ा गैप है,
एन इक्वल टू टू के थ्री का गैप छोटा है उससे बड़ा एन इक्वल टू टू और फोर का गैप है उससे बड़ा एन इक्वल टू टू और फाइव का होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा इन्फिनिटी से जब टू पे गिरेगा। एनर्जी क्या है बच्चों इसका, एनर्जी क्या है मिनिमम है, एनर्जी गैप मिनिमम, दिस इंप्लाइज लैम्डा जो फोटोन जो रिलीज होगा, जो फोटोन रिलीज होगा ये क्या होगा लैम्डा मैक्स होगा, लैम्डा हमारा मैक्स होगा ठीक है। लैम्डा मिनिमम वाला ट्रांजिशन कौन सा होगा, एन इक्वल टू, एन इक्वल टू इन्फिनिटी से जब एन इक्वल टू टू पे गिर रहा होगा बच्चों तो एनर्जी गैप मैक्सिमम होगा। इस केस में एनर्जी गैप क्या होगा बच्चों मैक्सिमम होगा, एनर्जी गैप जब मैक्सिमम होगा इसका मतलब वेवलेंथ हमारा मिनिमम होगा लैम्डा। अभी इस केस में जो वेवलेंथ निकल रहा है ये क्या होगा हमारा लैम्डा मिनिमम होगा ठीक है। यहां तक समझ आ गया सबको, लैम्डा मिनिमम होगा ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, सब बच्चों को कोई डाउट नहीं है ओके बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखते हैं, अब एक चीज आता है एक क्वेश्चन है बेसिकली, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ अप्रोच कर रहे हैं हम लोग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ अप्रोच कर रहे हैं हम लोग। क्या है ना एक तरीके का क्वेश्चन आता है, क्या आता है क्वेश्चन कि मान लो इलेक्ट्रॉन, मान लो स्कूल को बना रहा हूं मैं, मान लो इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू फाइव में है, इलेक्ट्रॉन यहां पर बैठा है ठीक है, इसके बीच में क्या क्या होगा n इक्वल टू फोर होगा, n इक्वल टू थ्री होगा, n इक्वल टू टू होगा। तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां बैठा है n इक्वल टू फाइव में बैठा है, इलेक्ट्रॉन आना कहां चाहेगा बच्चों वापस, इलेक्ट्रॉन वापस आना चाहेगा n इक्वल टू वन में आना चाहेगा ठीक है, वन में आना चाहेगा। तो ये पूछ रहा है कि कितने अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिल सकते हैं, मतलब कितने अलग अलग वेवलेंथ का फोटोन रिलीज हो सकता है, कितने अलग अलग वेवलेंथ का फोटोन रिलीज हो सकता है ये पूछ रहा है। देखो यहाँ क्या क्या पॉसिबल है, जब एन इक्वल एन फाइव हो सकता है डायरेक्ट फाइव से वन में आ जाए, डायरेक्ट फाइव से वन में इलेक्ट्रॉन आ जाए तब हमें एक लैम्डा वन मिल सकता है, एक वेवलेंथ मिल सकता है ठीक है। या तो ऐसा हो, या तो ऐसा हो, चलो ना हम लोग थोड़ा छोटे एग्जाम्पल्स देखते हैं, छोटे एग्जाम्पल्स छोटे एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लो n इक्वल टू थ्री पे इलेक्ट्रॉन है, बीच में क्या आएगा n इक्वल टू टू, उसके नीचे क्या आएगा n इक्वल टू वन ठीक है, n equal to 1, इलेक्ट्रॉन कहां पर है n equal to 3 पे। अभी पूछ रहा है आपसे कि कितना पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन है जो आपको मिल सकता है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों, हो सकता है इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट n equal to 3 से 1 में जंप कर जाए, हो सकता है इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट n equal to 3 से 1 में जंप कर जाए तो हमें एक वेवलेंथ मिलेगा लैम्डा 1 ठीक है। या तो एक और पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन पहले n equal to 3 से n equal to 2 में गए ठीक है, जब n इक्वल टू थ्री से टू में जाएगा तो हमें एक लैम्डा टू मिलेगा, और जब टू से वन में जाएगा तो हमें क्या मिलेगा लैम्डा थ्री। समझ आ रहा है, दो तरीके का ट्रांजिशन पॉसिबल है, या तो डायरेक्ट थ्री से वन में आ गया तब हमें एक वेवलेंथ मिल जाएगा, एक फोटोन मिल जाएगा, या तो थ्री से टू में जाए और टू से वन में आए, या तो थ्री से टू में जाए टू से वन में आए। तो जब थ्री से टू में जाके टू से वन में आएगा तो हमें दो तरीके का फोटोन मिलेगा, पहला कब जब थ्री से टू में गया तब एक, फिर जब टू से वन में गया तब एक। तो टोटल हमें कितने तरीके का स्पेक्ट्रल लाइन मिल रहा है बच्चों, थ्री टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन मिल रहा है। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला कहां से आता है ना हम लोग वो देखते हैं, इसके लिए फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला कहां से आता है ना वो हम लोग देखते हैं। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप लोगों ने एक चीज देखा है कभी, NC2। NC2 ये क्या कहता है ना, n नंबर में से n ऑब्जेक्ट है उसमें से हमें दो को चुनना है, n ऑब्जेक्ट है उसमें से दो को चुनना है तो कितने तरीके से हम चूज कर सकते हैं, मतलब समझ लो n अलग अलग ऑब्जेक्ट है, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है,
उसमें से हम लोगों को दो चीज को चुनना है, तो हम कितनी तरीके से चुन सकते हैं? मतलब मान लो एक एप्पल है, एक ऑरेंज है, एक बनाना है, ठीक है, हम लोगों को दो का ग्रुप बनाना है, तो कौन कौन से ग्रुप बन सकता है? एक एप्पल ऑरेंज का बन सकता है, ठीक है, एक ऑरेंज बनाना का बन सकता है, एक एप्पल बनाना का बन सकता है, ठीक है। तो इसी को निकालने के लिए मान लो ऐसा बहुत सारा होगा, तो यहाँ पे एन क्या है, तीन ऑब्जेक्ट्स है, एन है हमारे पास थ्री, हमें दो का ग्रुप बनाना, तो कितने ग्रुप बन सकते हैं? उसको लिखने का तरीका होता है 3c2। ये कैसे लिखते हैं? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर पहले देखा तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो अभी देख लो। तीन में से कोई दो ऑब्जेक्ट चूज करना है तो उसका तरीका है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए बच्चों, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, लिखा आ गया 3। मतलब टोटल तीन तरीके से हम चूज कर सकते थे, यही कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर पढ़ा होगा तो पता होगा, तीन तरीके से चूज कर सकते हैं, एप्पल ऑरेंज, ऑरेंज बनाना, एप्पल बनाना। तो यहाँ पे भी तो कुछ ऐसे ही हो रहा है ना, यहाँ पर भी तीन स्पेक्ट्रल लाइन है, और हर दो यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन के लिए, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी तीन एनर्जी लेवल्स है, यहाँ पे तीन एनर्जी लेवल्स है, n1 n2 n n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3। हर दो पेयर्स के लिए एक स्पेक्ट्रल लाइन यूनिक होगा। मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ना बच्चों कि यहां पे भी देखो, तो ऐसे ही तीन स्पेक्ट्रल लाइन्स है, ठीक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तीन स्पेक्ट्रल लाइन्स अलग अलग, सबको क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे एक सेकेंड, यहां पर भी हर दो यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन के लिए एक वेव, हर दो यूनिक एनर्जी लेवल्स के लिए एक स्पेक्ट्रल लाइन निकल रहा होगा। मतलब देख लो, जब 3 और 1 के बीच ट्रांजैक्शन है तो हमें λ1 मिल रहा है, जब 3 और 2 के बीच इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है तो λ2 मिल रहा है, जब 2 और 1 के बीच ट्रांजिशन कर रहा है तो λ3 मिल रहा है। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे? तीन कॉम्बिनेशन पॉसिबल थे, 3 1 का 3 2 का 2 1 का। तो यहां भी अगर हम ये फॉर्मूला लगा दें 3c2 कि टोटल तीन एनर्जी लेवल्स है, उसमें से कोई भी दो चुनना है, कोई भी दो चुनना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो का पेयर बनाना। देखो दो का पेयर बनाया था हम लोग, कितना पेयर ऐसा बन जाएगा, जितना पेयर बन जाएगा उतने स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे। क्या कह रहा हूं मैं, तीन एनर्जी लेवल्स हैं, हमको दो दो का पेयर बनाना, जितना हमारा पेयर बन जाएगा उतने स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे, है ना। हर पेयर के लिए एक स्पेक्ट्रल लाइन यूनिक होगा, हर एक यूनिक पेयर के लिए यूनिक स्पेक्ट्रल लाइन होगा। तो यहाँ पे हम लोग वही करते हैं, 3c2 करते हैं, 3c2 क्या आ जाता है, 3। तो ऐसे ही करके आप लोग अगर क्या कर सकते हो, मान लो 5 है, n इक्वल टू 5 है, यहाँ तो आप क्या ऐसे लिख लिख के नहीं देख सकते हो कि एक यहाँ गया फिर यहाँ यहाँ यहाँ, बहुत सारा हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 5c2 लिख देंगे, मतलब 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। कितना आ जाएगा ये बच्चों, कितना आ जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कट गया, ये आ गया 10। तो जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 5 में होगा, हेलो मोहित क्या हाल है, हेलो मोहित क्या हाल है, जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 5 में होगा और n इक्वल टू 1 में आना होगा, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल है बच्चों, 10 स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल है। टोटल 5 है, हमको कोई भी दो चूज करना है, कोई भी दो पेयर के लिए एक यूनिक बनेगा, एक 5 4 5 3, समझ आ रहा है। तो हमको 5 में से 2 चूज करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, 5c2। यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है बच्चों, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाता है, वो होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये यहीं से आया है, लिखने का तरीका है, 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आ जाएगा, 10। मतलब अगर n इक्वल टू 5 में इलेक्ट्रॉन है ना, तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हो। आपको ये nc2 वगैरह अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, आपको ये सब अगर नहीं समझ आ रहा है, मैंने तो इसीलिए बताया कि भाई मेरा काम है एक्सप्लेन करना कि फॉर्मूला आया कहाँ से। n इक्वल टू 5 में इलेक्ट्रॉन था, n इक्वल टू 1 में गिर रहा है, तो कैसे पांच पांच स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगे, हमें पेयर्स देखना है कि कितना पेयर्स बन सकता है। एक 5 4 का बनेगा, एक 5 3 का बनेगा, एक 4 3 का,
कितना पेयर बनेगा, 5C2 पेयर बनेगा, तो टोटल वो 10 होता है, तो 10 पेयर बन सकता है स्पेक्ट्रल, 10 पेयर बन सकता है एनर्जी लेवल्स का, इसीलिए 10 स्पेक्ट्रल लाइन हमें मिलेगा। ये बस समझ आया क्या मोहित, ये बस समझ आएगा तू, मैंने जो अभी NC2 वाला बताया, एन इक्वल टू 5, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे क्या कर लेंगे हम लोग, 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ जाएगा ये 10 आ जाएगा, ठीक है। सबको समझ आया ये वाला पार्ट, फॉर्मूला ये कहां से आया, समझ आया सबको फॉर्मूला कहां से आया, एक और बता देता हूं। जैसे मान लो यहां इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 पे था और 1 पे गिर रहा है, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल है, हर दो पेयर के लिए एक स्पेक्ट्रल लाइन पॉसिबल है। जब n इक्वल टू 3 से 1 में गिरेगा तब एक वेव मिलेगा, जब n इक्वल टू 3 से 2 में गिरेगा तब एक मिलेगा, जब 2 से 1 में गिरेगा तब एक वेव मिलेगा। तो बेसिकली हमको देखना है कि टोटल तो 3 एनर्जी लेवल्स हैं, उसमें से दो दो का कितना पेयर बन सकता है, दो दो का कितना पेयर बन सकता है, तो एक बना 3-1 का, एक बना 3-2 का, एक बना 2-1 का, इसी का फॉर्मूला होता है 3C2। तीन में से दो दो का पेयर बनाना है तो कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो इसी फॉर्मूला से आ जाता है n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं, आई होप यहाँ तक समझ आया हो सबको, आई होप यहाँ तक समझ आया हो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलो बढ़िया, आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग जल्दी से, कुछ क्वेश्चन है उनको देखेंगे, कुछ क्वेश्चन है बच्चों उनको देखेंगे हम लोग जल्दी से। What are the frequency and wavelength of a photon emitted during transition from n equal to 5 to n equal to 2? ये क्या कह रहा है? एक इलेक्ट्रॉन है जो n equal to 5 पे था और n equal to 2 पे चला गया, यहां से यहां तक चला गया, तो ये जो वेवलेंथ निकला है, ये जो फोटोन निकला है, इसका पूछ रहा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होगा। तो इसका आपको डेल्टा, इसका आपको याद है रिट्सबर्ग इक्वेशन देखा है हमने, 1 by lambda is equal to r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई छोटा स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 5 स्क्वायर। तो आप यहाँ से करोगे तो आपका किसकी बात हो रही, हाइड्रोजन, मतलब z क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ से आपको लैमडा मिल जाएगा, लैमडा मिल जाएगा, लैमडा मिल गया तो आप आराम से कर सकते हो c इज इक्वल टू लैमडा इंटू फ्रीक्वेंसी, लैमडा मिल गया तो आपको फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगा। ये क्वेश्चन बन जाएगा ना इजिली, क्वेश्चन इजिली बन जाएगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है बच्चों, डेल्टा ई कैलकुलेट करते हैं वहां से ये रिट्सबर्ग का इक्वेशन आता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई गेस इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आई होप ये बन जाएगा। आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, तो इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, एन इक्वल टू 4 से एन इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कितने स्पेक्ट्रल लाइन एमिट हुए होंगे, कितने स्पेक्ट्रल लाइन एमिट हुए होंगे। अगेन सिंपल अपना वाला क्वेश्चन क्या होगा, एन यहाँ पे क्या है 4, फॉर्मूला क्या था हमारा, या तो आप 4C2 करके देख लो, क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, क्या आ जाएगा ये 6 आ जाएगा, 6 लाइंस। या तो यहां से कर लो, या तो फार्मूला हमने जो सीखा n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, 6, कितने स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे बच्चों हम लोगों को, 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे, 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे, कौन कौन से उसको एक बार काउंट करके देखना है क्या, काउंट करके देख लेते हैं। मान लो जब एक बार डायरेक्ट n इक्वल टू 4 से 1 में गिरा तो एक लैम्डा 1, ठीक है, जब n इक्वल टू 2 में गिरा और फिर 2 से 1 में गिरा तो यहाँ पे एक लैम्डा 2 आया होगा, लैम्डा 3 मिला होगा, ठीक है। अब क्या पॉसिबल है बच्चों, जब n इक्वल टू 3 में गिरा, फिर 3 से 2 में गिरा, फिर 2 से 1 में गिरा, तो यहाँ पे एक लैम्डा 4, 4 से 3 जाने में, 3 से 2 जाने में लैम्डा 5, 2 से 1 जाने में लैम्डा 6। तो दिख गया सबको, 6 स्पेक्ट्रल लाइंस मिल रहे हैं हमको, 6 अलग अलग टाइप के वेव्स मिल रहे हैं। हाँ या ना बताओ, यस या नो बताओ, समझ आ रहा है तो बताओ यस, नहीं आ रहा तो बोलो नो, ठीक है, ओके। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा बच्चों सब, जल्दी से एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, जल्दी से ये वाला क्वेश्चन देखो, वेव लेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज फॉर अ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे देखते हैं, ये कह रहा है थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज मतलब क्या बच्चा लोग, एन इक्वल टू 2 पे गिर रहा है, ठीक है,
इसका फर्स्ट लाइन क्या होगा? फर्स्ट लाइन होगा जब एन इक्वल टू थ्री से गिरेगा, ये होगा फर्स्ट लाइन। एन इक्वल टू फोर से गिरेगा तो ये होगा सेकेंड लाइन। एन इक्वल टू फाइव से गिरेगा ना, तब जाके होगा हमारा थर्ड लाइन। सब कुछ समझ रहा है? बाल्मर है मतलब सेकेंड पे तो गिर रहा है, कहां से गिर रहा है ये जाने के लिए बता दिया थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन किसको कहते हैं जब एन इक्वल टू थ्री से गिर रहा हो? सेकेंड लाइन किसको कहेंगे जब एन इक्वल टू फोर से गिर रहा हो? थर्ड लाइन किसको कहेंगे जब एन इक्वल टू फाइव से गिर रहा हो? तो ये हमारा थर्ड लाइन, ये हमारा थर्ड लाइन। तो इसके लिए जो वेवलेंथ है, ये जो वेवलेंथ रिलीज होगा, ये जो फोटोन रिलीज होगा, इसका वेवलेंथ क्या है, यही पूछ रहा है आपसे। देखते हैं उसको हम लोग, देखते हैं। वन बाय लैम्डा इज इक्वल टू हर्ट्ज़बर्ग कॉन्स्टेंट इंटू जेड स्क्वायर इंटू वन बाई एन वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर। याद रखने का क्या तरीका था? ये हमेशा जो स्मॉल वाला नंबर होगा उसको लिखो, यहाँ बिग वाले नंबर को लिखो, ठीक है। वन बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर, जेड क्या है? वन है, तो जेड स्क्वायर वन हो जाएगा। स्मॉल नंबर क्या है बच्चों? यहाँ पे टू पे गिर रहा है ना, यहाँ पे टू पे गिर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, ये टू स्क्वायर माइनस वन बाई फाइव, वन बाई फाइव स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? टू से फाइव से टू में गिर रहा है, तो हमने ये लिख दिया एन वन क्या है टू, एन टू क्या है फाइव। फाइव से एन टू से, ये है एन टू हमारा, ये है एन वन हमारा। इसी को कैलकुलेट करते हैं, वन बाई लैमडा इज इक्वल टू, नीचे क्या हो गया बच्चा लोग, वन बाई फोर माइनस ट्वेंटी फाइव, ये क्या हो गया, नीचे आ गया हंड्रेड, ऊपर क्या हो गया ट्वेंटी फाइव माइनस फोर, क्या हो गया ये ट्वेंटी वन हो गया। तो वन बाई लैमडा इज इक्वल टू ट्वेंटी वन आर बाई हंड्रेड, तो लैमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हंड्रेड बाई 21 R 100 by 21 R 100 by 21 R समझ आ गया सबको किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का मतलब सब कुछ समझ गया ना फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज है जब n इक्वल टू थ्री से टू में गिरा सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज है जब फोर से टू में गिरा थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज जब फाइव से टू में गिरा ठीक है आई होप यहां तक क्लियर हो सबको आई होप यहां तक क्लियर हो इस क्वेश्चन को देखो बच्चा लोग इस क्वेश्चन को देखो यहाँ क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन विल द वेवलेंथ बी मिनिमम। मैंने क्या कहा, जब भी वेवलेंथ मिनिमम मैक्सिमम पूछे आप क्या सोचोगे, एनर्जी, आप हमेशा एनर्जी के टर्म से पूछोगे। यहाँ बोल रहा है वेवलेंथ मिनिमम चाहिए, मतलब क्या कह रहा है, एनर्जी मैक्सिमम पूछ रहा है, ये एनर्जी मैक्सिमम पूछ रहा है, ठीक है। देखते हैं हम लोग सबसे ज्यादा एनर्जी गैप कहाँ होता है बच्चों, हम लोग देखते हैं। एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू टू, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सॉरी ए बी से शुरुआत करते हैं। ये ए है। हेलो अभिनव, क्या हाल है बच्चे, क्या कह रहे हो, केमिस्ट्री पिलानी। सेकंड क्या है बच्चों, सेकंड क्या है, सेकंड वाला ऑप्शन है फोर से, जब एन इक्वल टू फोर से अप्रोच समझो। क्वेश्चन सॉल्यूशन देखना तो बहुत अच्छी इजी चीज है, अप्रोच समझना मेन बात है। अप्रोच समझो, कैसे अप्रोच करेंगे, एन इक्वल टू थ्री एन इक्वल टू टू, चौथा है एन इक्वल टू टू एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू टू से एन इक्वल टू वन। ये हाइड्रोजन के लिए, मान लेता हाइड्रोजन के लिए अभिनव, मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट वन, मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट वन, बट आप एक बार अपना रिसर्च कर लो, आप अपना रिसर्च कर लो एक बार, मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट वन, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट वन, बट आप एक बार अपना रिसर्च भी कर लो। ठीक है, क्यों ऐसा छोड़ क्यों दिया तैयारी भाई, छोड़ क्यों दिया तैयारी, तैयारी तो करते रहना चाहिए। देखो आईआईटी में रैंक वही लाते हैं ना बच्चों, एक बात बताता हूँ, आईआईटी में रैंक वही लाते हैं ना जो आखिरी बेल तक फाइट मारते हैं, जो आखिरी बेल बजेगा ना जिस दिन,
आखिरी बेल जिस दिन बजेगा ना एग्जाम का, आखिरी बेल तक जो फाइट मारते हैं ना उसको आता है डिसेंट रैंक। तो छोड़ो मत तैयारी, एडवांस दो तो पहले, एडवांस दो, एडवांस में देखो क्या रैंक आता है उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। मेंस तुम्हारा अच्छा हुआ इतना मुझे समझ आ रहा है, तो ठीक है एडवांस भी देके देखो, एडवांस हो सकता है और अच्छा हो जाए। तैयारी क्यों छोड़ोगे, ठीक है तैयारी करते हो फाइट मारते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने जान लिया, अभी एनर्जी गैप देखो, वन और टू के बीच बहुत बड़ा एनर्जी गैप होता है, वन और टू के बीच एनर्जी गैप होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। यार मॉक सब कुछ थोड़ी है, मॉक का मतलब, मॉक का नाम मॉक क्यों रखा गया है, मॉक का नाम मॉक क्यों रखा गया है, क्योंकि वो आपको एक सिचुएशन बता रहा है, जरूरी नहीं है एडवांस के दिन वो हो। तुम्हारा डिसीजन है अभिनव यार, ये तुम्हारा डिसीजन है कि तुमको अभी कहाँ एडमिशन लेना है, तुम्हारा डिसीजन है। मैं अभी मान लो कुछ बोल दूँ कि नहीं मत लो एडवांस की तैयारी करो, और बाद में तुमको अगर वो सही नहीं लगे तो फिर मेरे को आगे बोलोगे, तो वो तुम्हारा डिसीजन होने वाला है। अपना सोचो कि भाई तुम्हारे लिए बेस्ट क्या है, तुम बेस्ट पॉसिबल क्या कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग काम करो। तो ये जो टू से वन का गैप होता है ना बच्चों, ये सबसे ज्यादा गैप होता है, इसके बीच का गैप कितना होता है, बहुत कम गैप होता है, -3.1 और -1.51। आपको याद होगा हाइड्रोजन में पहला और दूसरे के बीच बहुत गैप होता है, वन और टू के बीच बहुत गैप होता है, फिर गैप घटता जाता है, गैप घटता जाता है, गैप घटता जाता है, ठीक है। तो हमेशा n इक्वल टू टू और वन के बीच एनर्जी का जो गैप है ना वो मैक्सिमम रहेगा, एनर्जी का गैप मैक्सिमम रहेगा, इसीलिए वेवलेंथ मिनिमम किसके लिए रहेगा बच्चों, वेवलेंथ मिनिमम भी टू से वन के लिए रहेगा, वेवलेंथ मिनिमम किसके लिए रहेगा, टू से सॉरी यहाँ पे 3 to 1 भी है, ओके ओके सॉरी 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 यहाँ पे 3 to 1 भी है, माई बैड मैंने ध्यान से देखा नहीं, 3 to 1 है। तो 3 to 1 में ऑब्वियसली 3 to 1 में 1 और 2 के बीच में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप है, तो 3 और 1 में, 3 और 1 में तो उससे भी ज्यादा है, तो मैक्सिमम एनर्जी गैप जो इन चारों में से है वो 3 और 1 के बीच का है, 4 और 2 के बीच में उतना एनर्जी गैप नहीं होता। आप चाहो तो डेल्टा ही निकाल के देख लो, आपको विश्वास नहीं हो रहा ना तो आप डेल्टा ई निकाल के देख लो, आप सबके लिए डेल्टा ई निकाल के देख लो कि भाई E6 मतलब 6 शेल में क्या एनर्जी है, -4 शेल में, 4 शेल में क्या एनर्जी है, -2 शेल में, 3 शेल में क्या एनर्जी है, -1, 2 में क्या है, -1। मैक्सिमम एनर्जी आएगा 3 से 1 के लिए, तो मिनिमम वेवलेंथ भी हो जाएगा 3 से 1 के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन जंप्स फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। मतलब n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 पे जंप कर रहा है, मेरे को वेवलेंथ निकालने बोला, इजी तो है यार, क्या दिक्कत है, वेवलेंथ सिंपल रिट्जबर्ग इक्वेशन लगाएंगे, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 बाय एन, छोटा स्क्वायर, छोटा क्या है 1 स्क्वायर, -1 बाय बड़ा स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये क्या आ गया हमारा 4, 3 बाई 4 इंटू आर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, लैम्डा क्या आ गया हमारा 4 आर बाई 3। अभी आर के टर्म्स में रहने तो आंसर आपका ऑप्शन जिस भी यूनिट में होगा उसके अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर लेना, इजी था ये क्वेश्चन। तो इसको देखो, ये कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ फॉर थर्ड लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ पार्शियल सीरीज। मतलब पार्शियल सीरीज क्या होता है बच्चों लोग, लाल बाल पाल, मतलब n इक्वल टू 3 पे गिर रहा है, n इक्वल टू 3 पे गिर रहा है, इसका फर्स्ट लाइन कौन सा होगा, फर्स्ट लाइन होगा जब n इक्वल टू 4 से गिरेगा, सेकेंड लाइन क्या होगा जब n इक्वल टू 5 से गिरेगा, इसका थर्ड लाइन कौन सा होगा जब n इक्वल टू 6 पे गिरेगा, n इक्वल टू 6 पे गिरेगा। मतलब हमें वेवलेंथ किसके लिए निकालना है, जब n इक्वल टू 6 से n इक्वल टू 3 पे इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, ठीक है। तो सिंपली 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर, हीलियम है, हीलियम का जेड क्या होता है 2 होता है, जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर -1 बाय n2 स्क्वायर, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर 2 स्क्वायर, 1 बाय छोटा स्क्वायर क्या है 3 स्क्वायर, -1 बाय बड़ा स्क्वायर क्या है 6 स्क्वायर। सिंपली इसको सॉल्व जब कर लोगे तो आपका लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 4 आर, 1 बाय 9 -1 बाय 36। इसको बस सिंप्लीफाई करना है, लैम्डा का वैल्यू आपका आर के टर्म्स में आ जाएगा। ऑप्शन में अगर आपको टोटल कैलकुलेट करने बोलेगा तो आप आर का वैल्यू डाल दो, आर का वैल्यू तो पता ही हम लोग, आर का वैल्यू क्या पता है 10, 9, 6, 7, 8, कैसे याद रखना है 8, 10, 9, 6, 7, 8, 10, 9, 6, 7, 8 सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसे हम रिट्जबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू याद रख सकते हैं।
ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, देख लो इसका लास्ट क्वेश्चन देख लो, फिर हम लोग देखते हैं डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस क्या है। फिर जो आज के टॉपिक में यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिखा होगा बच्चों, पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। थोड़ा सा पहला लेक्चर में ज्यादा टाइम लग गया था, इसीलिए जो शेड्यूल्ड चीज था उससे हम लोग थोड़ा सा पीछे हो गए, बट कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम, द वन विच गिव्स एन एब्जॉर्प्शन ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखो एब्जॉर्प्शन लाइन बोला, एब्जॉर्प्शन लाइन बोला मतलब नीचे से ऊपर जा रहा होगा, एब्जॉर्प्शन लाइन बोला है मतलब नीचे से ऊपर जा रहा होगा, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। अभी 3 और 8, आपको पता है कि एन और 1 और N2 में बहुत गैप होता है, उसके बाद गैप्स क्या होते हैं बहुत छोटे हो जाते हैं, उसके बाद गैप्स क्या होते हैं बहुत छोटे हो जाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप कैलकुलेट करके देख लो, आप क्या करो E1 निकालो -E2 कर लो, ये आ गया डेल्टा ई पहले वाले का। फिर आप इसके लिए डेल्टा ई निकालना है तो आप क्या करो E3 निकालो और E8 से माइनस करो, तो आपको डेल्टा ई पता चल जाएगा। तो आपको दिखेगा जो एनर्जी डिफरेंस है वो E1 और E2 में मैक्सिमम है और हमारा लोएस्ट फ्रीक्वेंसी बोल रहा है। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी भी लोएस्ट, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी लोएस्ट। तो लोएस्ट एनर्जी कब होगा बच्चों, 3 से 8 वाले में होगा, क्योंकि एनर्जी 1 से 2 में बहुत ज्यादा है, 3 से 8 में कम है। तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, 3 से 8 जब जाएगा ना तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी उस एब्जॉर्प्शन लाइन की, क्योंकि सबसे कम एनर्जी होगी उस एब्जॉर्प्शन लाइन की। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो बच्चों अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आता है डुअल नेचर ऑफ मैटर, जो कि हमें पता चलता है डी ब्रोगली का एक हाइपोथेसिस था जो हमें डुअल नेचर ऑफ मैटर बताएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों प्रिंसिपल आधार है हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वो मॉडल है जो आज के दुनिया में भी माना जाता है। बोर्स का भी लिमिटेशन देख लिया हमने, बोर्स को भी रिजेक्ट कर दिया गया। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वो मॉडल मॉडल है जो हम लोग आज के दुनिया में अभी भी उसको मानते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो देखते हैं ये क्या है भाई, देखते हैं क्या है। सबसे पहले डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने क्या कहा ना, देखो हम लोगों ने थोड़ा देर पहले बोला था कि जो लाइट होता है ठीक है, उसका दो नेचर होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है। मतलब जो एनर्जी था, जो फोटोन था बच्चों, जो फोटोन था उसका पार्टिकल नेचर भी था और वेव नेचर भी था। डी ब्रोगली प्रपोज दैट इफ एनर्जी इज पार्टिकल लाइक, परहैप्स मैटर इज वेव लाइक। इन्होंने ये बताया कि जो एनर्जी था इसको जब हम पार्टिकल मान सकते हैं, जब इसको हम लोग पार्टिकल मान सकते हैं, तो क्यों ना जो एक्चुअल में पार्टिकल है, मान लो एक बॉल है, कोई एक मूविंग बॉल है, तो क्यों ना इसका भी हम लोग मान ले कि इसका एक वेव नेचर है। अभी सुनने में अजीब लगेगा, ये धीरे धीरे क्लियर होगा। क्यों ना मान ले कि भाई, जब हमने लाइट को, हमने फोटॉन्स को माना था ना कि पार्टिकल नेचर है, लाइट का पार्टिकल नेचर है, कैसे माना था कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब लाइट गिरता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, तो हमें देखने को ऐसा लगता है कि कुछ पार्टिकल गिरा, पार्टिकल निकला। ठीक है, इन्होंने कहा कि जब आप लाइट को पार्टिकल मान सकते हो, तो क्यों ना पार्टिकल को भी हम वेव मान ले, पार्टिकल को वेव मानना। तो इन्होंने इसी थ्योरी पे काम की, तो इन्होंने कहा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का वेव लाइक मोशन होता है। इलेक्ट्रॉन जो फिक्स्ड ये न्यूक्लियस था, ये इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, तो ये ऐसे सीधे ऐसे नहीं घूम रहा है जो हम लोग आज तक पढ़ते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। इन्होंने बताया कि ऐसे नहीं घूम रहा है, ये एक वेव फॉर्म में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन वेव बनता है। इलेक्ट्रॉन का क्या क्या नेचर है, दोनों नेचर है, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर भी है, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ये ऑब्वियस बात है, सबको अजीब लगता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में जब घूम रहा होगा ना बच्चों, तो ये एक वेव बन के घूम रहा होगा, ये एक वेव बन के घूम रहा होगा कुछ इस तरीके से। मैं ड्रॉइंग बहुत ही खराब है मेरा, उसके लिए सॉरी। अभी मैं प्रिंटेड डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको क्लियर होगा। ये क्या कह रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूमता है तो वेव बन के घूमता है, क्या बनता है, वेव बन के घूमता है। और ये जो वेव है, ये जो मूविंग इलेक्ट्रॉन का, ये जो मूविंग पार्टिकल का वेव है ना, इसका वेवलेंथ का वैल्यू होता है h बाय मास इनटू वेलोसिटी, मतलब h बाय मोमेंटम। ये h बाय मोमेंटम क्या है, इसी को कहते हैं हम लोग डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, ये हम लोग कहते हैं
ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, मतलब कोई भी मूविंग पार्टिकल है, कोई भी मूविंग पार्टिकल है तो उसका एक वेव नेचर भी होगा, उसी मूविंग पार्टिकल का एक वेव नेचर भी होगा, उसी वेव का वेवलेंथ क्या होता है, h/mv, ये क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। ही रीजन दैट इफ इलेक्ट्रॉन्स हैव वेव लाइक मोशन ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड रेडियाई दे वुड हैव ओनली सर्टेन अलाउबल फ्रीक्वेंसीज एंड एनर्जी। देखते हैं अभी क्या कहना चाह रहे हैं। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कहाँ से आया, उसका डेरिवेशन देखते हैं हम लोग। ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, पता है सबको, ठीक है। और ई इज इक्वल टू, अभी जस्ट हमने देखा, ई इज इक्वल टू एच एच सी बाई लैमडा होता है, एच सी बाई लैमडा होता है। सी को अगर वेलोसिटी लिख दे, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव है। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको इक्वेट करते हैं ना बच्चों, एम सी स्क्वायर और एच सी बाय लैमडा, तो क्या हमें मिलता है, सी सी कट जाता है, लैमडा इज इक्वल टू एच बाई एम सी, एच बाई एम वी लिख देते हैं इसको। तो यहीं से डी ब्रोगली वेवलेंथ आता है। ये क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है बच्चों, अलग टाइप का, ये फोटोन का वेवलेंथ नहीं है। ये क्या कह रहा है कि जब भी कोई पार्टिकल या कोई इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो इसका एक वेव लाइक नेचर होता है, इसका एक वेव लाइक नेचर होता है, और वही वेवलेंथ है हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ, जिसका वैल्यू है एच बाई एम वी, एच बाई एम वी। क्लियर हुआ यहाँ तक, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। तो यही एक चार्ट है जो हमें दिखाता है कि भाई इलेक्ट्रॉन जब, अच्छा आपको ये तो दिख रहा होगा, ये वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इस वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी जब ज्यादा हो जाएगा तो हमारा वेवलेंथ कम हो जाएगा। दिख रहा है कितना कम हो गया, इलेक्ट्रॉन ही जब धीरे धीरे मूव कर रहा था तब इसका एक वेवलेंथ था, जब इलेक्ट्रॉन स्पीड से मूव करने लगा ना तो इसका वेवलेंथ कुछ और हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको याद होगा बच्चों, यहाँ पे आपको बात याद होगा कि वो जो बोर्स ने बताया था mvr इज इक्वल टू nh बाय 2 पाई, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, बोर्स इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, याद है। तो इसको ना डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन किया कि देखो इन्होंने क्या कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन को अगर मोशन करना है तो कैसे करेगा, क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वेव लाइक मोशन कर रहा है, वेव सॉरी इसको अच्छा सर्कल बनाता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन वेव बन के ऑर्बिट का चक्कर काट रहा है। आप एकदम सरल भाषा में समझना चाहो तो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक वेव बन जाता है, इलेक्ट्रॉन एक वेव बन जाता है और तब वो जाके रोटेशन करता है, तब जाके वो घूमता है। मतलब अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यूअस वेव बने कुछ ऐसा, ये एक वेव है दिख रहा है सबको, एक वेव इस तरीके का, दूसरा एक वेव, ठीक है, तीसरा ये वेव। तो ये कब होगा बच्चों, ऐसा कब होगा जब हमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव मिले, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव मिले, मतलब या तो एन इक्वल टू थ्री, तीन वेव हो। यहाँ पे ये क्या था, तीन वेव थे, एक वेव, दूसरा वेव, पहला वेव कौन सा है, ये वाला पार्ट पहला वेव है, यहां से यहां तक दूसरा वेव है, यहां से यहां तक तीसरा वेव है। जब तीन वेव मिला तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया, वेव्स का कंस्ट्रक्शन हो गया। जब पांच होंगे तब भी क्या होगा, ये देखो पांच वेव है, एक वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, चौथा वेव, पांचवा वेव। रुको मैं इसको ना अच्छे से कलर से बनाता हूँ, रुक जाओ। मैं क्या कह रहा हूं, अगर अभी तक नहीं समझ आया तो भी कोई बात नहीं है। मान लो पहले केस में क्या था, इलेक्ट्रॉन का तीन वेव निकल रहा था, तीन इलेक्ट्रॉन का वेव निकल रहा था, पहला एक, ये क्या है, अरे यार एक सेकंड, ये दूसरा वेव, एक और कलर से बनाते हैं, ये हमारा तीसरा वेव, समझ आया। ये तीनों मिलके क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, कंस्ट्रक्टिव, आप इन दोनों आपस में मिलते गए, वेव बनता गया, ठीक है। ये लगातार चलता रहेगा, रोटेशन होता रहेगा। यहाँ पे पांच है तो देखो पांच वेव कौन कौन से है, ये पहला वेव, ये दूसरा वेव, ये तीसरा वेव, ये चौथा वेव, ये पांचवा वेव, समझ आया। पांच वेव मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के कितने वेव है यहाँ पे, पांच वेव है, तो सब कुछ सही जा रहा है। पर मान लो अगर ऐसा कुछ 3.5 बना देंगे तो ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप नहीं हो पाएगा, कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप नहीं हो पाएगा, दिख रहा है। जब तक इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा तब तक कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप नहीं हो पाएगा। तो हमारा जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, ये हमेशा
वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल का जितना होगा। ये एक वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये एक वेवलेंथ है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस वेवलेंथ क्या होता है पता है ना सबको, ये एक वेव चला तो ये जो डिस्टेंस है एक वेवलेंथ होता है। तो यहां से यहां एक वेवलेंथ है, फिर यहां से यहां एक वेवलेंथ, तो यहां पे क्या है 3 into lambda 2 पाई आर के बराबर है, यहां पे 5 into lambda 2 पाई आर के बराबर है। सब कुछ समझ रहा है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दो बच्चों, ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। मतलब हमेशा जो सरकमफ्रेंस है वो कोई लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा, वो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल ही हमेशा होगा, ठीक है। तो लैम्डा, लैम्डा का वैल्यू यहां से 2 पाई आर तो आ गया, एन इंटू लैम्डा भी क्या देखा हमने, एच बाई एम वाई एम वी। ये जो लैम्डा है, ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, इसका वैल्यू क्या होता है, एच बाई एम वी, एच बाई एम वी। तो एन इंटू एच बाई एम वी हम लोग जब कर देते हैं तो हमको दिखता है, अभी इसी को थोड़ा सा अरेंज कर लो, एम वी को इधर ले जाओ, एम वी आर हो गया, एन एच बाई टू पाई हो गया। याद है यही बोर्स ने कहा था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन इंटू एच बाई टू पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टू पाई होता है, याद आया, यही बोर्स ने हमें कहा था, जो हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ के बाद समझ आता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ के बाद समझ आता है, ठीक है बच्चों। आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा, आज के लेक्चर में सबको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इस चैनल में बुलाओ यार और लोगों को बुलाओ, जब तक ग्रुप में नहीं पढ़ोगे तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो और लोगों को बुलाओ, भीड़ लेके आओ, क्राउड लेके आओ। तो अभी का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं बच्चों, सो जैसा हमेशा कहता हूँ, कीप हसलिंग, कीप फाइटिंग, नेवर क्विट, नेवर लिमिट योरसेल्फ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड।